हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेगास क्विजिंग कॉर्नर। आज मैं बनाने वाली हूँ स्पॉन्जी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट अप्पम। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप सूजी, आधा कप स्प्राउटेड मूंग, इसमें डालिए हरी मिर्च, धनिया और पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कीजिए और पेस्ट को डालिए सूजी में। पेस्ट डालने के बाद इसमें डालिए 2 कप पानी और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे कि इसका इस तरीके से घोल तैयार हो। हमें यहाँ पर गाढ़ा बैटर चाहिए, पतला बैटर ना बनाएं। और इस बैटर को रखेंगे ढककर, इसमें डालिए दही मिक्स कर इसे ढककर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। बाद में लहसुन का पेस्ट, आमचूर पाउडर और धना पाउडर आधा आधा चम्मच डालिए और 1 इनो का सैशे डालकर इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए स्वादानुसार नमक। मेरे वीडियो की क्लिप में नमक डालने का स्टेप नहीं आया है। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक अप्पम पैन लिया है, तो उसमें डालिए ऑयल और पैन को अच्छे से गर्म होने दीजिए। बाद में इसमें हमें बैटर को डालना है और इसे ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए, ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। अब इसे करेंगे अल्टी पल्टी, दूसरे साइड से भी हमें अच्छे से सिक लेना है। और हमारे स्पॉन्जी सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और हेल्दी अप्पम तैयार है। रेसिपी पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।